हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाला हूँ पेपर्स के बारे में, स्केचिंग पेपर्स के बारे में। आजकल मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड कर रहा हूँ, मुझसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कमेंट्स में कि मैं कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ। हर किसी को बार बार सेम क्वेश्चन का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं रहता मेरे लिए भी, बिकॉज कुछ लोगों को तो मैं बता देता हूँ कमेंट्स में रिप्लाई करके, लेकिन बार बार जब मतलब काफ़ी लोग सेम बात पूछे तो फिर मुझे भी रिप्लाई करना अजीब लगता है कि सबको एक एक बार बताना पड़ रहा है। मैंने सोचा वीडियो भी बनाता हूँ, आपको पेपर शो भी कर दूंगा और कहाँ से परचेज करने वो भी बताऊँगा, कितनी प्राइस है सबकी वो भी बताऊँगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो रियलिस्टिक पेंसिल स्केचिंग के लिए मैं तीन तरह के पेपर यूज़ करता हूँ। मेरे पास तीन अलग अलग टाइप्स के पेपर हैं, जिसमें से दो एक ही ब्रांड के हैं और एक अलग है, वो कोई ब्रांड के नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा अभी कौन से हैं और कहाँ से परचेज करना सब बताऊंगा। पहले मैं उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ कि अलग अलग पेपर्स में क्यों यूज़ करता हूँ। ऐसा है कि पेपर्स जो स्केचिंग के लिए यूज़ करते हैं वो टू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं मेनली। एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। इतना तो आपको पता होगा जो स्केचिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि या तो स्मूथ पेपर होता है, स्मूथ सरफेस होता है पेपर का, या फिर रफ होता है। लेकिन तीन टाइप्स के मेरे पास इसलिए हैं बिकॉज जो थिकनेस है पेपर की वो भी इंपॉर्टेंट होती है। एक टाइप मैंने थोड़ा मोटे पेपर की रखी हुई है और एक पतला पेपर भी रखा हुआ है मैंने। वो पेपर्स मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक है 120 GSM का, एक है 180 GSM का और एक और 180 GSM का, लेकिन एक 180 GSM स्मूथ वाला है, एक 180 GSM रफ वाला है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी कौन सा है। पेपर्स मैं यूज़ करता हूँ ये तीन तरह के पेपर। एक जो ये वाला पेपर है ये है 120 GSM का, जो ये वाला ये है 180 GSM का, और जो ये वाला ये भी है 180 GSM का। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो मेन डिफरेंस है कलर का। ये वाला पेपर आप देख सकते हो थोड़ा येलो सा है और ये वाला बिल्कुल वाइट होता है, अल्ट्रा वाइट जिसको बोलते हैं। ये बिल्कुल वाइट है और डिफरेंस है इनके सरफेस का। ये दोनों पेपर जो है, ये वाला भी और ये वाला भी, ये रफ सरफेस है। वैसे इसका जो पेपर है 180 GSM वाला, ये एक साइड रफ है, एक साइड स्मूथ है और एक साइड रफ है। जो ये वाला है इसके दोनों साइड रफ है, रफ सरफेस है ये वाला, और ये वाला है जो बिल्कुल स्मूथ वाला है। तो जब मेरे को मतलब वो मेरी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि मेरे को कभी स्मूथ पे बनाना होता है कभी रफ पे बनाना होता है, तो मैं उस हिसाब से मैं डिफरेंट वाला पेपर यूज़ करता हूँ। जैसे कि आजकल जो मैं स्केचेस बना रहा हूँ, ट्यूटोरियल्स जो मैं बना रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ स्केचेस में ये वाला यूज़ किया और कुछ स्केचेस में ये वाला यूज़ किया है। जो ये वाला पेपर है 180 GSM वाला, एक तो ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का पेपर है ये वाला, और दूसरा कि ये तीनों में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बट स्टिल बाकियों के कंपैरिजन में ये वाला सबसे एक्सपेंसिव है। तो इसका यूज़ मैं काफ़ी लिमिटेड करता हूँ। जब मेरे को बहुत ज़्यादा हाई लेवल का स्केच बनाना हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक टाइप का बनाना हो और काफ़ी टाइम देगा, मतलब बहुत अच्छा वर्क जब मुझे करना हो तब मैं ये वाला पेपर यूज़ करता हूँ, या फिर मेरे को काफ़ी ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी का कमीशन वर्क करना हो तब मैं ये वाला पेपर यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ मैं नॉर्मल सिंपल स्केचेस के लिए ये वाला पेपर यूज़ नहीं करता। जैसे आजकल मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, 2-3 hours में वो 3 hours तक वो स्केच बन जाता है। वैसे काम के लिए मैं ये वाला पेपर और ये वाला पेपर यूज़ करता हूँ, उनको मैं सिंपल स्केचेस बोलता हूँ, जैसे कि आजकल आप ट्यूटोरियल्स देख पा रहे हो, क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, जल्दी बना लेता हूँ वो। वैसे स्केचेस के लिए मैं ये वाले पेपर यूज़ करता हूँ, जिसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, ज़्यादा क्वालिटी मेरे को उसमें नहीं चाहिए होती, तब मैं ये वाले पेपर्स यूज़ करता हूँ। बट ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि ज़्यादा क्वालिटी इन द सेंस, मतलब जो मेरा सबसे ज़्यादा लेवल होता है स्केचेस का, उस स्केचेस के लिए मैं ये वाले उस स्केचेस में मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। बाकी ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, उसके लिए तो अलग सिंपल से पेपर यूज़ कर लेता हूँ मैं, लोकल 20-30 रुपीज़ का जो स्केच बुक आती है। मैं आपको कुछ स्केचेस दिखाता हूँ जो कि मैंने इन तीनों पेपर्स पे बनाए हैं। मैं बताता हूँ तीनों पे मैंने कौन कौन सा पेपर यूज़ किया है। जैसे कि ये वाले दो स्केचेस आप देख पा रहे हो, आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल वाइट पेपर है और ये वाला पेपर बिल्कुल स्मूथ है। दोनों ब्लेंडिंग में आप देख सकते हो इसमें कितनी स्मूथ हुई है। इन दोनों स्केचेस में मैंने ये वाला पेपर यूज़ किया था जो बिल्कुल स्मूथ वाला पेपर है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तीनों पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बाकी बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कहाँ से इसको कैसे परचेस करना है, प्राइस क्या तीनों की। फिलहाल आप पेपर के बारे में देखो जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। ये दोनों स्केचेस मैंने उस पेपर पर बनाए थे, इसको इस पर रख देता हूँ। ये वाला जो स्केच है ये मैंने इस 180 GSM वाले पेपर पर बनाया था। ये एक लौता ऐसा स्केच है जो कि मतलब मैंने जिस पर ज़्यादा मेहनत नहीं किया, फिर भी मैंने ये वाला पेपर यूज़ किया है, ठीक है। और ये वाला जो पेपर है इस पर रीसेंट स्केचेस में से मैंने ये वाले बनाए थे दो, इसका भी आपने ट्यूटोरियल रिसेंटली देखा होगा चैनल पे, अप्रैल में ही अपलोड किया था और इसकी वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये दोनों पेपर मैंने इस स्केच बुक के यूज़ किए हैं, 120 GSM वाले पतले पेपर और रफ पेपर, ठीक है। तो आपको मैं पास से अब डिफरेंस दिखाता हूँ पेपर के सरफेस में। देखो अब ये जो मैसी वाला स्केच वाला जो पेपर था बिल्कुल स्मूथ वाला, उसको मैं आपको पास से दिखाता हूँ।
बहुत ज़्यादा पास से दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो कितना जूम करके दिखा रहा हूँ। इस पेपर पे क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रेन्स नहीं होते, देखो बिल्कुल छोटे छोटे ग्रेन्स हैं। ये पेपर काफ़ी स्मूथ होता है, ऐसा सरफेस होता है इसका, और इसमें शेडिंग जो हुई है वो इस तरह की दिखती है। ये बहुत पास से दिखा रहा हूँ गाइस मैं, इसलिए आपको फिर भी छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं शेडिंग के, ठीक है। ये इस तरह का पेपर है, और जो ये मोदी जी वाले स्केच का था 120 GSM वाला, उसमें देखो कितना रफ होता है सरफेस, ऐसा होता है ऐसा। ये जहाँ पे शेडिंग की है वो वाली जगह, जहाँ शेडिंग नहीं है वो दिखाता हूँ। इसका सरफेस ऐसा होता है, इसमें आप देख सकते हो ऐसे थोड़े छोटे छोटे ग्रेन्स टाइप होते हैं पेपर के। ये रफ सरफेस वाला पेपर है 120 GSM वाला, और ये था स्मूथ सरफेस वाला, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे बहुत टाइनी ग्रेन्स होते हैं। अब बिना जूम किए दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे आपको नहीं पता चल रहा होगा कि इसमें कितने ग्रेन्स है इस वाले में। पहले जूम करके दिखाया था, उससे आपको पास से दिखा होगा, और इस वाले में भी, इसमें तो आपको दूर से भी थोड़ा दिख जाता है कि किस तरह का सरफेस है। जैसे इसमें ब्लेंडिंग भी किया तो पूरी तरह से नहीं हो पाती है जब तक आप तीन चार लेयर्स नहीं करो शेडिंग की, इसमें मैंने एक ही लेयर की थी, जबकि इस वाले स्मूथ पेपर में एक लेयर में ही अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाती है। अब मैं आपको इस वाले पेपर को भी पास से दिखाता हूँ। देखो गाइस, इसका सरफेस बिल्कुल बहुत ज़्यादा रफ होता है, ये भी 180 GSM ही है, बट इसका सरफेस बहुत ज़्यादा रफ होता है। इसमें शेडिंग तो इस तरह से होती है, बीच बीच में पेपर का सरफेस हमें दिखाई देता है शेडिंग करने के बाद। तो जो बिल्कुल स्मूथ वाला होता है उसमें ऐसा होता है कि शेडिंग से पेपर का सरफेस ज़्यादा दिखाई नहीं देता, पेपर का सरफेस क्योंकि एक तो स्मूथ ही होता है तो शेडिंग भी स्मूथ ज़्यादा होती है यूजुअली। जो मतलब ज़्यादातर आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो रफ़ पेपर ज़्यादा कंसिडर करते हैं स्केचिंग के लिए, बाकी अपनी पर्सनल चॉइस है सबकी कि उन्हें स्मूथ ज़्यादा पसंद है या रफ़ ज़्यादा पसंद है। ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया तीनों पेपर्स के बारे में। मैं आपको बताता हूँ कि मैं तीन अलग अलग तरह के पेपर क्यों यूज़ करता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ऐसा है कि मैं तो हर तरह की टेक्निक्स यूज़ करता हूँ शेडिंग में, जैसे ब्लेंडिंग में ब्रश से भी करता हूँ, टिश्यू पेपर से भी करता हूँ, और भी जो भी टूल्स यूज़ कर सकते हैं, ब्लेंडिंग स्टंप से तो करता ही हूँ, सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग स्टंप ही यूज़ करता हूँ मैं ब्लेंडिंग के लिए, बट बाकी टूल्स भी मैं यूज़ करता हूँ। हर टूल्स का यूज़ अलग अलग तरह के पेपर पर अच्छे से होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्लेंडिंग के बारे में, डिफरेंस बताया था मैंने कि डिफरेंट टूल्स किस तरह का डिफरेंट सरफेस पे किस तरह से काम करते हैं ब्लेंडिंग में। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि डिफरेंट पेपर में क्यों यूज़ करता हूँ डिफरेंट तरह के वर्क्स बनाने के लिए। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में यही बता सकता हूँ कि जैसे स्मूथ और रफ पेपर दोनों अलग अलग तरह के हैं, तो उस पर शेडिंग टेक्निक्स भी अलग अलग तरह की यूज़ होती हैं दोनों पे। स्मूथ पे जो काम करना होता है वो टोटली अलग तरह से होता है, जो रफ पे होता है वो टोटली अलग तरह से होता है। ज़्यादातर आर्टिस्ट रफ पेपर यूज़ करते हैं, उन्हें रफ ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उस पर पेपर का एक तो टेक्सचर अच्छे से दिखाई देता है शेडिंग करने के बाद भी, और दूसरा उस पर वर्क करने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट जो स्मूथ पेपर होता है उस पर एक तो रियलिस्टिक इफेक्ट लाना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू रफ पेपर, लेकिन मेरे को स्मूथ पेपर यूज़ करने की आदत काफ़ी ज़्यादा टाइम से है, बहुत टाइम से मुझे स्मूथ पेपर ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आसानी से यूज़ कर पाता हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा कंट्रोल आपका रफ पेपर पर अच्छे से आ सकता है, उस पर शेडिंग आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों की प्राइस और कहाँ से इसको ले सकते हैं। ये जो थी आइवरी शीट्स, इनका सेट आता है 50 शीट्स वाला भी और 100 शीट्स वाला भी, ऑनलाइन ही मिलेगा आपको ये जो मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। आइवरी पेपर तो पेपर की टाइप होती है, कोई ब्रांड नहीं होता। आइवरी पेपर आपको लोकल स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाएगा, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जितनी इसकी अच्छी है। बिकॉज़ मैं भी कभी कभी लोकल शॉप से लेता हूँ क्योंकि लोकल शॉप पे इजीली मिल जाता है आइवरी पेपर, लेकिन वो जो होता है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल की नहीं होती, उस पर अनइवन सी शेडिंग होती है, कहीं पर डार्क हो जाएगी, कहीं पर लाइट होगी, कहीं पर आपकी HB पेंसिल 4B की तरह चलेगी, कहीं पर कुछ होगा, तो ऐसा होता है। बिकॉज वो लोकल क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा चीप क्वालिटी के होते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, 50-60 रुपीज़ का आपको पैकेट मिल जाएगा जो लोकल शॉप पे मिलते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये वाला जो सेट है ऑनलाइन आपको ये मिलेगा कोई 350 रुपीज़ के आसपास मिलेगा 50 शीट्स वाला सेट, और 100 शीट्स वाला मिलेगा 600 के आसपास मिलेगा, 600 से कम प्राइस का ही होगा 100 शीट्स वाला। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेजोन का लिंक, वहीं से आप इसको ले पाओगे। अगर आप लोकल शॉप पे जाओगे तो आपको इस पर्टिकुलर टाइप का नहीं मिलेगा, वो सस्ता वाला मिलेगा आपको 200 रुपीज़ की, आई थिंक 100 शीट्स आ जाती हैं, या फिर 60-70 शीट्स आती है 200 रुपीज़ की। ये वाली 350 रुपीज़ की 50 शीट्स है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस का, लेकिन क्वालिटी का काफ़ी डिफरेंस होता है। और जैसे मैंने बताया इसके ब्रांड्स नहीं होते, कुछ खास ब्रांड्स नहीं होते हैं आइवरी पेपर के, पता नहीं चलता ऐसे कि कौन सी क्वालिटी वाला कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। अमेजोन वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना।
इसके बाद बात करते हैं ये वाले पेपर की, जो 120 GSM वाला पेपर था जिस पे मैंने मोदी जी वाला स्केच ड्रॉ किया था, और बाकी स्केचेस पतले वाले पेपर पे जो मैं ड्रॉ करता हूँ इस पे करता हूँ। इसमें है 25 शीट्स इस वाली स्केच बुक में, और A4 साइज का ही। अभी इसकी प्राइस MRP वैसे 250 rupees है, ऑनलाइन प्राइस 225 है इसकी, 220 या 225। लेकिन ऑनलाइन पे इसका 2 स्केच बुक का सेट भी मिलता है, मतलब 50 शीट्स होगी। तो 50 शीट्स वाला सेट है 360 rupees का, 360 के आसपास है। सो वो जो आइवरी पेपर वाली 50 शीट्स थी वो भी 350 के आसपास थी, ये वाली 50 शीट्स भी 350 के आसपास है। बस इसमें सरफेस का डिफरेंस है, और जो भी डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले बता दिए। सो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, A4 साइज का भी और A3 साइज का भी, दोनों है मेरे पास। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना। अमेजोन का लिंक डाल दूंगा मैं दोनों का, बेस्ट प्राइस का डालूंगा मैं, और ऑफिशियल जो स्टोर है इसके उसका लिंक डालूंगा। अमेजोन पे प्रोडक्ट्स अलग अलग प्राइसेस के तो आपको दिख जाएंगे, सेम प्रोडक्ट अलग अलग प्राइस के होंगे, वो इसलिए क्योंकि उनके सेलर्स डिफरेंट होते हैं। हमें हमेशा प्रोडक्ट्स उनके ऑथेंटिक ऑथराइज सेलर से ही लेने चाहिए। सो मैं आपको वही वाले लिंक्स दूंगा जो इनके ऑथेंटिक ऑथराइज सेलर से होंगे। और जो ये वाला पेपर है 180 GSM वाला, इसकी प्राइस है 350 rupees और 20 शीट्स की, तो इस पे 20 शीट्स होती हैं A4 साइज़ वाली स्केचबुक में, और इसकी MRP है 350 rupees, और ऑनलाइन प्राइस 320 के आसपास होगी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, A3 साइज़ का भी दे दूंगा। A3 साइज़ वाली आई थिंक 500 के आसपास आती है, एग्जैक्ट प्राइस मेरे को याद नहीं है बिकॉज MRP अलग होती है और ऑनलाइन प्राइस अलग होती है। सो आप चेक कर लेना, मैं लिंक्स डाल दूंगा। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको इस पेपर के बारे में, इसकी प्राइस इसकी ज़्यादा क्यों है, वो इसलिए क्योंकि एक चीज़ तो ये कि इसका जो सरफेस है वो एक साइड रफ है एक साइड स्मूथ है, तो दोनों तरह के काम इस पे हो जाते हैं। और दूसरी क्वालिटी इसकी ये है कि ये इसका जो पेपर है वो सिर्फ पेंसिल स्केचिंग के लिए नहीं बल्कि डिफरेंट मीडियम्स के लिए अच्छा है। इस पे बाहर लिखा भी है कि ये वाटर कलर क्रेयॉन्स तो बच्चे यूज़ करते हैं, वाटर कलर्स पेस्टल्स मार्कर्स इंक सबके लिए अच्छा है ये। और मैंने खुद भी इस पे कलर पेंसिल वर्क्स किए, मार्कर वर्क्स किए, आपने वीडियोस देखी होंगी मेरे चैनल पे जो मैंने मार्कर वर्क्स किए या फिर कलर पेंसिल ड्राइंग्स की हैं, तो वो मैंने इसी पेपर पे की हैं, जो रीसेंट टाइम्स में की होंगी मैंने पिछले एक साल में। जो बाकी दो पेपर मैंने दिखाए थे आपको, एक 120 GSM वाला और एक आईवाई, उस पर पेंसिल स्केचिंग चाहे ग्रेफाइट हो चारकोल हो वो तो अच्छे से हो ही जाती है, लेकिन जो 120 GSM वाला था ये वाला ये सिर्फ और सिर्फ पेंसिल स्केचिंग के लिए ही अच्छा है, चाहे ग्रेफाइट हो या चारकोल ये उसके लिए ही अच्छा है, बाकी कलर पेंसिल वर्क इस पर अच्छे से नहीं हो पाएंगे पेपर क्योंकि पतला है ये तो फट सकता है। लेकिन जो आईवरी पेपर था ये मेरे पास 180 GSM भी है, 210 GSM भी है, तो इस पे पेंसिल स्केचिंग भी हो जाती है और कलर पेंसिल स्केचिंग भी हो जाती है अच्छे से। अब बात करते हैं कि आपको ये पेपर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि आप ये वाला पेपर तो ले सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जो 180 GSM वाला है वो आप अभी नहीं ट्राई करो तो भी चलेगा, बट आप ये वाला पेपर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, 200 rupees के आसपास ही है। और आइवरी शीट्स भी आप ले सकते हो, आइवरी शीट्स स्मूथ होती हैं तो स्मूथ पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपको ट्राई करना है तो आप ले सकते हो, ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। प्रैक्टिस तो हमें हर तरह की करनी चाहिए ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप एक स्मूथ पेपर भी ले लो और एक रफ भी ले लो। सो स्मूथ और रफ दोनों पे आप प्रैक्टिस करो, आपको डिफरेंस पता चलेगा, फिर जिस पे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा काम करने में उसमें आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे तो ज़्यादा मज़ा स्मूथ पेपर पे आता है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ज़्यादातर आर्टिस्ट को रफ पेपर पे ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो पर्सनल चॉइस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप दोनों ट्राई करके देख सकते हो, फिर जिस पे आपको ज़्यादा मज़ा आए आप वो वाला यूज़ करो। सो इस वीडियो में आप सबके एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर भी मैंने दे दिया कि मैं कौन सा पेपर यूज़ करता हूँ अपने स्केचेज़ में, और काफ़ी सारे डाउट्स भी आपके पेपर के रिगार्डिंग क्लियर कर दिए मैंने, कि पेपर को एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने कि वो डिफरेंट GSM का किस तरह का पेपर है, उसको आपको दिखा भी दिया कि उसके सरफेस में क्या डिफरेंस होता है, कलर में क्या डिफरेंस होता है, काम करने की टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है डिफरेंट पेपर्स पे। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, इसको लाइक जरूर करना वीडियो को, और कोई डाउट होगा पेपर के रिगार्डिंग तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो। इसी तरह के काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।